आज हम करने वाले हैं, तो आज हम एक तो अगस्त के करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी हैं वो देखेंगे, प्लस हम IUCN की लिस्ट के एनिमल्स वगैरह के बारे में देखेंगे। और काफ़ी हद तक IUCN की लिस्ट को हम आज काफ़ी कम कर लेंगे, थोड़े सा बचेगा बाद में करने के लिए। देखिए, पहला जो अगस्त, अब पहले हम करंट अफेयर्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड करेंगे, उसके बाद IUCN देखेंगे। देखिए, एनडीआरएफ देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड बनाने की मांग उठ रही थी। सॉरी, फंड तो फंड सॉरी सॉरी फंड तो है, लेकिन बता सुन पहले नहीं सुनते हैं। देखिए देखिए, एनडीआरएफ जो है, नेशनल डिजास्टर फंड ऑफ फोर्स के भी है, तो वो जो है वो देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसी के अंतर्गत जो बनी हुई है, उसको चेयर करते हैं पीएम। पीएम चेयर करते हैं, याद रखिएगा, अक्सर पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को चेयर कौन करता है, पीएम करता है। लेकिन नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो फोर्स होती है वो आती है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और एक नेशनल डिजास्टर फंड है, रिलीफ फंड है, जो कि होम मिनिस्ट्री जिसको मैनेज, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत वो फंड भी आता है। और देख और ये अप्रूव्ड एनुअली थ्रू द फाइनेंस बिल के तहत इसको अप्रूव किया जाता है हर साल। और दूसरी एक अच्छा, इसमें पैसे कैसे आते हैं, इसमें कहाँ से आता है फाइनेंस, कहाँ से होता है इसको? देखिए, एनडीआरएफ को फाइनेंस करते हैं से लेवी ऑफ सेल्स ऑन सर्टेन आइटम चार्जेबल टू एक्साइज और कस्टम ड्यूटी। एक्साइज और कस्टम ड्यूटी जो लगती है उस पर कुछ एक्स्ट्रा सेज लगा करके जो फंड इकट्ठा होता है वो चला जाता है एनडीआरएफ में। ठीक है, इतना तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, देखिए ड्यूटी इसमें जैसे सेज आया, सेज क्या है? सेज है टैक्स ऑन टैक्स, सेज होता है टैक्स ऑन टैक्स। तीन तीन सब वर्ड इकोनॉमिक्स के, देखिए हम कहाँ इन्वायरमेंट कर रहे थे, कहाँ इकोनॉमिक्स पहुँच के। एक्चुअली हम इसको थैरोली करना चाहते हैं, कुछ कोई कोई और इधर थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट भी इकोनॉमिक्स के और जो इधर उधर होंगे सब डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, सेस तो हो गया टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पर टैक्स लगता है ये। जैसे मान लीजिए कुछ आपका, देखिए ऐसे ऐसा है, देखिए मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए, उस पर 30% टैक्स लगा, टैक्स कितना हो गया 30। अब वो 30% पे मान लीजिए 10% सेस लगा, ठीक है, तो जो टैक्स है उस पे लगेगा जो आप टैक्स दे रहे हैं, ये नहीं कि पूरे पे लगेगा। ठीक है, समझिए आप, जैसे मान लीजिए 100 रुपये कमाए आपने, 30% टैक्स लगा, तो जो 30% टैक्स लगने पे कितना अमाउंट बना, 30 रुपये। तो अब आपको 100 प्लस 30 पेड करना है। लेकिन अगर उसमें मान लीजिए 10% वो सेस लगा हुआ है, तो जो 30 30 रुपये जो टैक्स है आपका, टैक्स ऑन टैक्स है ना, टैक्स पे टैक्स लगेगा, तो 10% टैक्स सेस मान लीजिए लगा तो आपका आ गया 3 रुपये। ठीक है, अब फिर सरचार्ज क्या है? इट इज एन एडिशनल वर्डन टू द टैक्स वी हैंड ऑलरेडी लेविड। जनरली सरचार्ज इज लेविड फॉर सर्टेन पीरियड टाइम, फॉर इंस्टेंस 10% सेल्स। अच्छा, पहले हम सेल्स का बात, सेल्स का सेल्स किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगता है, जैसे अभी स्वच्छ भारत से सेज लग रहा है ना, आप मैकडी वगैरह में या कहीं जाके कुछ खाते हैं, या तो उस पर स्वच्छ भारत सेज लगता है। अब देखिए, सरचार्ज तो सरचार्ज जो है एडिशनल टैक्स है, मान लीजिए 10% सरचार्ज हमने बढ़ा दिया, कुछ समय के लिए लगता है, परमानेंट नहीं रहता है कभी। देखिए, अब मान लीजिए 100 रुपये पे हमने सरचार्ज बढ़ा दिया 10 रुपये की चीज़ पे, 100 रुपये में 30 रुपये पहले से टैक्स था, सरचार्ज हो गया +10, तो आपके 40% अब टैक्स लगेगा इस पर, 40 रुपये टैक्स बनेंगे टोटल, समझ गए? ड्यूटी क्या है? ड्यूटी है, दिस इज ऑन वाटर टैक्स चार्जेबल ऑन गुड्स community or thing that you can physically touch either while coming into the country or going out to the country, generally a percentage of value of good। देखिए ड्यूटी, देखिए ऑन बॉर्डर टैक्स, बॉर्डर से जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बाहर जा रही है अंदर आ रही है, उस पर लगाई जाती है ड्यूटी। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं, किसी कम्युनिटी पर ही लगता है, कम्युनिटी पर। तो इतना पढ़ लिया हमने इसके बारे में। अब देखिए, अब हम फिर से लौटते हैं अपने एनडीआरएफ पर ही। देखिए, इसमें एक मांग चल रही थी कि
कि देखिए ये पोस्ट डिजास्टर जो अभी हमारा जो भी पॉलिसी जो भी हम काम करते हैं वो पोस्ट डिजास्टर रिलीफ के लिए है, लेकिन हम प्री डिजास्टर रिलीफ के लिए हम कुछ हमें करना चाहिए लेकर के कुछ एक फंड बनाने की बात हो रही थी प्री डिजास्टर से रिलेटेड, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया इस। अब देखिए इसी में एक फ्रेम ये कि सिंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 13 तक चलेगा, ठीक है। इसमें देखिए इट इज़ इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट विच यूएन मेंबर्स स्टेट बिटवीन 14 देखिए इसमें यूएन मेंबर्स स्टेट्स द्वारा ये अडोप्ट किया गया। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन इन हेल्ड इन सेंडाई जापान में सेंडाई लोकेशन याद रखिएगा, ठीक है। यूएन जनरल असेंबली अच्छा इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा ये सिंडाई फ्रेमवर्क में यूएन का हिस्सा, देखिए यूएन इसमें पार्टिसिपेटेड है, यूएन नहीं कराया है इसको तो इसमें यूएन है शामिल है, ठीक है। इसका काम है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करना, डिजास्टर का रिस्क कम करना। इससे पहले होगाया फ्रेमवर्क था, अच्छा इसमें कौन कौन शामिल थे, यूएन के यूएन मेंबर स्टेट एंड यूएन अदर स्टेक होल्डर्स, ठीक है, ये तीनों शामिल थे। ये पूछ सकते हैं कि इसमें सिर्फ यूएन और ऐसे कुछ करके, तो आप याद रखिएगा। देखिए अगर हम डिजास्टर प्रीएम्प्टिव एक्शन लेते हैं, प्रीएम्प्टिव एक्शन लेंगे अगर हम, तो फिर हमें फ़ायदा होगा किसमें। देखिए तीन चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स गोल्स जो चल रहे हैं उसमें भी हमें फ़ायदा होगा, उसमें भी हम अपने टारगेट्स को फुलफिल करेंगे। दूसरा जो हमारा जो डिजास्टर को लेकर के जो 2005 में जो भी आया कानून में आया था उसको लेकर के हम हमारी उसकी जो मूल आत्मा थी मिटिगेशन को लेकर के उसका उद्देश्य था उसको हम पूरा कर पाएंगे, जो मूल उद्देश्य था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का। तो इस तरह से देख करंट के लिए सिंडाई फ्रेमवर्क को जानना कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। सॉरी मान लीजिए सिंडाई रिस्क मैनेजमेंट से जापान में हुआ था, ठीक है, अच्छी बात है, यूएन ने कराया है, देखिए यूएन का इसका वो है, और यूएन यूएन के मेंबर्स एनजीओ अदर मेंबर्स में शामिल थे, और इसके ये मेंस में काम आएगा, जहाँ तक प्री में तो काम आएगा नहीं। इसके फोर प्रायोरिटी एक्शन अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नमेंट्स एंड इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिडक्शन फॉर रिजिलियंस ऐसे करके एक चौथा भी बुल्ड लाइक बेटर, तो ये तो मेंस में काम आएगा, लेकिन ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमने जिसे एनडीएमए एज होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत और एनडीएमए अथॉरिटी को जो चेयर करेंगे वो पीएम चेयर करेंगे, नेशनल डिजास्टर फोर्स आती है एंड होम मिनिस्ट्री और एनडीए में कुछ पीएम चेयर करते हैं फाइनेंस बिल के थ्रू, और ये ड्यूटी ये सब तो हमने पढ़ लिया, इसकी फाइनेंसिंग कैसी होती है ये भी देख लिया। अगले पर आते हैं सीपीसीबी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में रहता है नेशनल, ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं के लिए, अभी ये इन्होंने एक रिपोर्ट दी कि तटीय क्षेत्रों में जो तटीय कोस्टल स्टेट्स हैं गुजरात महाराष्ट्र इनमें पॉल्यूशन का पीएम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा कम है यहाँ के वायु में, और अंदर के स्टेट जैसे यूपी हो गई बिहार हो गई यहाँ पे ज़्यादा है। मेंस में इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया था पहले, दो साल पहले शायद पूछा गया है, तो इसको समझिएगा क्यों ऐसा है, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में आपको पता ही होगा मूवमेंट ऑफ एयर को लेकर के कैसे वायु समुद्र की ओर जाती है, और कोस्टल एरिया और अंदर की जैसे दिल्ली हो गई यहाँ नहीं, यहाँ ये समुद्र से उनकी दूरी है। तो हम सीपीसीपी को देख रहे थे, सीपीसीबी
ये स्टेचुरी और ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, स्टेचुरी और ऑर्गेनाइजेशन है, और ये स्टेबलाइज 1974 वाटर एक्ट बना था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन को लेकर के 1974 में उसके तहत इसको बनाया गया था। बाद में इसको एयर पॉल्यूशन 81 में जब बना उसका भी काम इसको दे दिया गया। अब इसको चेयर जो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर चेयर करता है, ठीक है, जो इसको नॉमिनेट करते हैं। ये क्या क्या काम करता है, एयर क्वालिटी को लेकर के काम करता है, ये वाटर पोल्यूशन को लेकर के काम करता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, और म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट रूल लाता है, अर्बन एरियाज प्रोग्राम भी कर चलाता है। देखिए एयर इसमें ये पिछली बार आया था कि CPCB किन इसका डाटा रिलीज करता है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का करता है, NO2 का करता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर का करता है, इस रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर RSPM PM 10 का करता है, PM 2.5 का भी करता है, PM 5 का भी करता है। देखिए लिखा है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, इन 5 चीज़ों का करता है, इतना याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं करता, इसलिए पिछली बार क्वेश्चन जब आया था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया था तो वो गलत था, इस तरह से इसको समझ लीजिएगा। देखिए उदयपुर डिक्लेरेशन क्या है, उदयपुर डिक्लेरेशन क्या है, अभी ब्रिक्स की ब्रिक्स का सम्मेलन उदयपुर में ब्रिक्स के डिजास्टर से रिलेटेड हुआ था, इसकी इसको याद रखिएगा, डिजास्टर से रिलेटेड ब्रिक्स का सम्मेलन, तो वहीं कुछ बातें हुई थी, फ्लड रिस्क मैनेजमेंट, फोकसिंग ऑन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, इवेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये सब बातें हुई थी, तो बस इतना याद रखिएगा। तो एक इन्फॉर्मेशन और आपसे शेयर करनी है, भावा ने देखिए वाटर में क्रोमियम की समस्या बहुत रहती है, तो उसकी जांच के लिए एक डिवाइस बनाई है, पोर्टेबल किट बनाई है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी तो चीज़ें हो गई हैं, करंट अफेयर्स इतना ही है, इन्वायरमेंट का अगस्त का इम्पोर्टेंट, हम अगले महीनों का करेंगे जल्दी। अभी हम एक्चुअली IUCN की लिस्ट देख लेना चाहते हैं। तो IUCN की लिस्ट हम देख लेते हैं, पहले हम जान लेते हैं कि IUCN, देखिए ये तो एक्सटेंट हो गए हैं, एक्सटेंट वाइल्ड हो गए हैं, क्रिटिकली इंडेंजर वल्नरेबल और नॉट थ्रेटन्ड। देखिए इसके नॉट थ्रेटन के बाद थ्रेटन में चले जाए, थ्रेटन में 3 कैटेगरी हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब इस 3 कैटेगरी में सेम में क्या डिफरेंसेस हैं, देखिए पहले हम करते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। देखिए इसमें दो कंडीशन, जब कोई जानवर कोई एनिमल इसमें कैटेगराइज किया जाएगा तो उसकी दो खासियतें हैं, इसका या तो इसका मतलब है कि 10 सालों में पिछले 10 सालों में उसकी पॉपुलेशन 90% रिड्यूस हो गई है, ठीक है। और इस एंडेजर्ड में किया जाएगा तो उसका मतलब है 10 सालों में 70%, और इस वर्नरेबल में किया जाएगा तो 50%। और एक दूसरी कंडीशन ये लगती है कि अगर अगर इसमें से 50 बचे हों, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में से 50, यहाँ एंडेंजर्ड में 250 और वर्नरेबल में 10,000 के आसपास बचे हों, ये कंडीशन है, ठीक है। बाकी आपको पता है पिछली सिर्फ IUCN के नॉर्मल चीज़ें डिस्कस की थी, यहाँ पे हम इसको उसके IUCN के रेड डेटा लिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए देखिए अगस्त के महीने में एक PIB का आया था, उसमें किसी ने शायद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जवाब मांगा था कि किन किन एनिमल्स का देखिए कंजर्वेशन करती है सरकार, तो इसमें देखिए इन्होंने जानकारी दी थी, रिकवरी ऑफ इंडेंजर स्पीसीज एंड 17 स्पीसीज हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर रिकवरी। देखिए ये 70 स्पीसीज आइडेंटिफाई की गई रिकवरी के लिए, ठीक है, तो इनके तहत रिकवरी ऑफ इंडेंजर स्पीसीज के नाम के तहत की गई, तो हमें इन 17 स्पीसीज के नाम अच्छे से पता होने चाहिए, इनके हैबिटेट्स पता होने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की रिकवरी के लिए काम कर रही है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन यहीं से उठ जाए, हम पूरी लिस्ट तो रखने की जरूरत पड़े नहीं पड़े ही नाम को, फिर भी हम एक लिस्ट भी कर लेंगे। चलिए पहला एनिमल देखते हैं, ये देखिए स्नो लियोपार्ड,
देखिए हिम तेंदुआ, ये देखिए इसका फोटो है, काफी हैंडसम लग रहा है। देखिए देखिए IUCN की लिस्ट में ये रखा गया है एंडेंजर्ड में। ये पाया जाता है इस, देखिए ये पाया जाए इसके लिए, देखिए इसके पानी के मैप देखिए, देखिए ये जो ग्रीन कलर में है इन बेल्ट में ही पाया जाता है। इंडिया में कहाँ कहाँ ये हो सकता है, देखिए नेपाल है नीचे, यहाँ नहीं हो सकता, उत्तराखंड में उम्मीद हो सकती है, हिमाचल में और थोड़ा कश्मीर में, और इधर देखिए अरुणाचल के थोड़े से एरिया में और थोड़ा सिक्किम में उम्मीद हो सकती है। इतना आप आइडिया रखिए, ठीक है। और स्पिटी वैली, स्पिटी वैली ये हिमाचल में पाई जाती है, स्पिटी वैली ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या बताइए पूछ ले पेपर में आपसे, तो यहाँ पर ये पाया जाता है, स्पिटी वैली में पाया जाता है, ठीक है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इतना ही जान लेना काफ़ी है, इनका गवर्नमेंट कंजर्वेशन कर रही है, IUCN के में ये एंडेंजर्ड हैं, ठीक है लिस्ट में एंडेंजर्ड में हैं। स्पिटी वैली देख लिया, इनका मैप देख लिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हिम तेंदुआ नाम है ये, तो इसका आपका पता ही है आपको। अब अगला है, अभी हम सिर्फ वही 17 वाले लिस्ट कर रहे हैं जो उन्होंने दिया था, बंगाल फ्लोरिकन, बंगाल बस्टर्ड बोलते हैं इसको, ये इंडिया इंडिया की नेटिव स्पीसीज है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आती है IUCN की, देखिए इसका फोटो भी बना हुआ है। देखिए नाम से ही लग रहा है कि बंगाल की रेंज में पाया जाता है, तो इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, नाम याद रखिएगा फ्लोरिकेन, ठीक है। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न ये देखिए, ये है, ये एक्चुअली पाया जाता है, देखिए इंडिया और पाकिस्तान, मतलब ये राजस्थान की रेंज में पाया जाएगा, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इंडिया पाकिस्तान दोनों पाया जाता है। और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है क्योंकि सिर्फ 250 बचे हैं, देखिए तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में ही इनको जाना है, इनका हंटिंग इसका हंटिंग और लॉस ऑफ हैबिटेट्स की वजह से ये काफ़ी कम हो गए हैं। देखिए इस ये जहाँ ब्लैक बक जो है उसके 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 जहाँ ब्लैक बक पाए जाते हैं वहाँ ये भी पाए जाते हैं, हैबिटेट ब्लैक बक के समान ही है। ब्लैक बक पता ही आपको राजस्थान में पाया जाता है, इधर पाए जाते हैं ड्राई ग्रासलैंड एंड स्क्रब के एरिया में इनका हैबिटेट होता है, देखिए सूखी हुई घासें पड़ी हुई हैं। तो ये हो गया आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, 250 बच्चे हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, शायद पिछली बार पूछा गया था। ये कश्मीरी स्टेग हंगुल, हंगुल बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये कश्मीरी वैली में पाया जाता है, चंबा, चंबा हिमाचल डिस्ट्रिक्ट में आता है, चंबा पूछा था शायद एक बार। दशिंगम नेशनल पार्क ये कश्मीर में है, इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका इसका हैबिटेट है वहाँ पे, ये वहीं पर पाया जाता है, प्रोटेक्टेड रखा गया है वहाँ पे। अब हंगुल इस देखिए हंगुल है, ये स्टेक बोलते हैं स्टेक, IUCN की लिस्ट में इसको एवेल्यूएट नहीं किया गया, ठीक है, तो इसलिए अगर IUCN के नाम से पूछे तो मैं कुछ नहीं। नीलगिरी तहार, नीलगिरी नाम से ही स्पष्ट है कि साउथ इंडिया में ये नीलगिरी रेंज में पाया जाता है, ठीक है देख लीजिए इसको, ये है वेस्टर्न घाट में नीलगिरी, कर्नाटक और केरला एंडेमिक टू नीलगिरी हिल्स एंड साउथ पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट इन द स्टेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, ये नीलगिरी तहार, ठीक है इसको देखिए आप, ये देखिए वाइल्ड, एक्चुअली नीलगिरी नाम जुड़ा होने के कारण अक्सर ऐसे ऐसे नहीं पूछे जाते जिसको इजी गैस कर लिया जाए, तो हो सकता है कि आप इसको इससे बच जाए, लेकिन ऐसे नाम जो थोड़ा गैस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो उनको उनको पूछ लिया जाता है, ऐसा मेरा अनुमान है, तो कुछ भी हो सकता है। खैर देखिए वाइल्ड वाटर बफेलो ये है, देखिए बफेलो वाटर बफेलो है, देखिए जंगली भैंसा बोलते हैं उसको। देखिए ये पाए जाते हैं काजीरंगा, देखिए काजीरंगा मनास डिब्रू आसाम साइड में, देखिए आसाम के सारे नेशनल पार्क आ गए हैं लिखा हुआ, देखिए पॉकेट्स इन आसाम, अरुणाचल में पाए जाते हैं, और
वल्फाकरम मेघालय में हमने पढ़ा था ना, वहाँ नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ हैं, थोड़े से ही हैं, इंद्रावती जो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क है वहाँ पर है, ये देखिए जंगली भैंसा। देखिए ये मालावा लार्ज स्पॉटेड सीवेट, सीवेट ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं ये, तो इसका मतलब 250 से कम बचे हैं। देखिए ये फोटो है इसका, स्वैम्प डियर, बारह सिंगा बोलते हैं इसको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 12 सींगे होती हैं इसकी। देखिए स्वैम्प डियर ये देखिए पाया जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। उसके बाद अगला है डुगोंग। डुगोंग पेपरों में पूछा गया है, डुगोंग का क्वेश्चन मैंने इसमें डालना मैं भूल गया। एक्चुअली डुगोंग दो बार पूछा गया, पहले दो बार ये पूछा गया क्वेश्चन में, चलिए बाद में मैं कहीं डालता हूँ, मुझे अभी अभी माइंड में रिकॉल आया कि ये दो बार पूछा गया था। इसको आप दिखा सकते थे कि अगर किस तरह के सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। डुगोंग देखिए, डुगोंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन सी ग्रास, सी ग्रास के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए डुगोंग ने सी ग्रास ले रखा है, सी ग्रास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे। द आईयूसीएन लिस्ट ऑन डुगोंग इज स्पेसिफाई वल्नरेबल टू एक्सटेंट, देखिए वल्नरेबल टू एक्सटेंट पे आने वाला है। वाइल द कंजर्वेशन इन एंडेमिक स्पीसीज, कंजर्वेशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, CITE जो हमने पढ़ा था उस दिन, याद रखिए पिछली वीडियो में। देखिए घास ले रखा है इसने मुंह में, मैमल है, ठीक है ये याद रखिएगा। और ये वेजिटेरियन है, देखिए वेज घास खा रही है। अब गंगेटिक डॉल्फिन, देखिए गंगेटिक डॉल्फिन बहुत न्यूज़ में रहती है। हाँ ये देखिए इस आदमी ने पकड़ रखा है इसको। एक्चुअली ये गंगेटिक डॉल्फिन अंधी होती हैं, ये सोनार वेव की हेल्प से अपना रास्ता खोजती हैं, इतना याद रखिए इनके बारे में। ये गंगा में पाई जाती हैं, अंधी होती हैं, सोनार वेव की मदद से अपने चलती हैं, पूरा रास्ता वास्ता निकालती हैं। सी टर्टल, सी टर्टल देखिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये देखिए इंडिया में। ये देखिए सी टर्टल, देखिए यहाँ जो अक्सर न्यूज़ में रहता है ये उड़ीसा के पास गरी माता बीच है, वहाँ पर पाए जाते हैं, रसकुल्ला करके है। भितरकनिका नेशनल पार्क भी पड़ता है शायद वहाँ पर, और यहाँ देखिए भितरकनिका नेशनल पार्क पड़ता है वहाँ पर। तो यहाँ अक्सर न्यूज़ में आता है ये, अपने अंडे देने के लिए आते हैं सी टर्टल। और इसे ओलिव रिडले, जो इसमें 6 वराइटियाँ लिखी हुई हैं, सेवन सेवन स्पीसीज जो लिखी हुई हैं उसमें से ओलिव रिडले यहाँ पर आते हैं अपने अपने यहाँ उड़ीसा के पास। अभी हमने बात की, देखिए उसी का फोटो है। अब अगला है वर्ड है जॉर्डन क्रूसर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न घाट में आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, श्री लंकेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये देखिए ये देख लीजिएगा, लंकेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ पाए जाते हैं, बाकी कहीं नहीं पाए जाते। आंध्रा में आता है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंपोर्टेड हो जाती है, ठीक है। और भी दो तीन नाम जो हमने नहीं किए वो इसलिए नहीं किए क्योंकि देखिए हम करेंगे ये पूरी लिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की तरफ से मिली निकली निकलती है ये, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में इसमें है जितनी भी हैं, तो उसमें हम सारे ये सब कर लेंगे। देखिए ये सब दिख रहे हैं आपको, बंगाल फ्लोरिकेन जो भी हमने किया, और पिंक ये जिखी डक, तो हम अभी इनके बारे में इसमें करने वाले हैं, इसलिए हमें अलग से करने की ज़रूरत है नहीं। अब हम शुरू करते हैं इसको, चलिए हम शुरू कर ले, अभी ख़त्म कर लेते हैं, आधे कर लेते हैं, आधे बाद में कर लेंगे। देखिए पहले वर्ड करते हैं, वर्डों में जोल्डन क्रूसर जो आपने अभी किया उसमें देखिए कुछ छूट गया हो तो हम दोबारा कर लेते हैं। हाँ
ये नॉर्थन पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ आंध्रा की साइड में पाया जाता है। देखिए अभी हमने कहा था ना श्रीलंकेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ना ये चीज़ें, सिर्फ वहीं पाया जाता है बाकी कहीं नहीं पाया जाता आंध्रा के अलावा, और बाकी और जानने की ज़रूरत नहीं है। इनके हैबिट वही ख़त्म कैसे हुए, देखिए डिस्टर्ब स्क्रब जंगल एंड ओपन एरियाज, जंग इसी इसकी वजह से खत्म, की हैबिटेट की प्रॉब्लम है, जब घर ही टूट जाएंगे बेचारे रहेंगे कहाँ, आवास इनकी ख़त्म हो जाएंगे। देखिए देखिए अब फॉरेस्ट और जंगली उल्लू ओल ऑलेट ये क्या है, ये पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश और नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र, नॉर्थ सेंट्रल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की सेंट्रल सेंट्रल इंडिया समझ लीजिए आप, इसका वहीं पाए जाते हैं। ये देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं ये सब, वर्ड हम कर रहे हैं। और वाइट वेल्ड हेरोइन, ये देखिए ये जो है ये रिवर ऑफ सेंट के आसपास पाए जाते हैं, ये आंध्र प्रदेश अरुणाचल असम भूटान में पाए जाते हैं। देखिए ये बल्चर्स, बल्चर्स की कुछ वैरायटीज हैं, देखिए इस पे ये देखिए पिंक हेड रेड हेड वाला, सॉरी ये देखिए इसमें देखिए इस इनके बारे में एक जो गिद्ध खत्म हो गया उसके पीछे एक पेन किलर डाइक्लोरोफेंस का नाम बहुत आता है कि इस ये वेटनरी के डॉक्टर अपने एनिमल्स को पेन किलर है ये इंजेक्शन एनिमल्स को इंजेक्शन लगाने में इस्तेमाल होता था, बाद में जब एनिमल्स को ये खाते थे तो मरने शुरू हो गए जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो गई मेन, अब तो इसका इस्तेमाल होना बंद हो गया है। तो अभी हम करेंगे 9 स्पीसीज होती हैं वल्चर्स की, उसमें से 3 तो लगभग 99% ख़त्म हो चुकी हैं, और रेड हेडेड हेडेड वाला वल्चर जो है वो भी काफ़ी कम हो गया है। बंगाल फ्लोरिकेन देखिए, ग्रासलैंड एक्वाडाइन स्क्रब लैंड ये पड़ा हुआ है, बंगाल फ्लोरिकेन अभी हमने देखा था, एंड नेटिव टू ओनली 3 कंट्रीज कम्बोडिया इंडिया एंड नेपाल। हिमालयन कोयल ये वेस्टर्न हिमालय में पाया जाता है, ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न, अपने उत्तराखंड और इधर वाले हिमालय में, हिमाचल वाले में हिमालय कोयल बोलते हैं इसको, ये भी न्यूज़ में था तो इसको याद रखिएगा। पिंक हेड डक, देखिए ये बतख है इनकी पिंक कलर का हेड है। देखिए इंडिया बांग्लादेश म्यांमार में ज़्यादा ये पाए जाते हैं। ओवर ग्रोन स्टिल वाटर पूल लोलैंड फॉरेस्ट, ठीक है वेटलैंड में पाए जाते हैं, वेटलैंड में पाए जाएंगे ये तो। देखिए साइबेरियन क्रेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में आता है, ये साइबेरिया से आते हैं, माइग्रेटरी स्पीसीज हैं ये। केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान में चले में आते हैं, हर साल सर्दियों में आते हैं इसलिए ये नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। देखिए केवला देव में आते हैं स्पीसीज, हाँ, और वेटलैंड एरिया है क्योंकि वहाँ पर नेशनल पार्क में केवला देव वेटलैंड एरिया भी है वहाँ पर। ये देखिए इसका फोटो देखिए, साइबेरियन क्रेन है, हाँ। अब फिर हम मैमल्स करते हैं, मैमल्स कर लेते हैं। मैमल्स में देखिए ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पिग्मी होक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टेटस ऑफ ग्रासलैंड हैबिटेट्स, इंडिकेटर्स हैं ये ग्रासलैंड की हेल्दी चल रहा है। और राइनो इज क्रिटिकल, ये जो पिग्मी होक हैं ये 8 किलो तक की होती हैं, देखिए कितना कम वेट है इनका, छोटी सी होती हैं। देखिए जहाँ जिस ग्रास लैंड में पाए जाते हैं वहीं पे इंडियन राइनोस पाए जाते हैं, स्वैम्प डियर जो हमने कभी किया था, वाइल्ड बफेलो भी वहीं पाए जाते हैं, बंगाल फ्लोरिकेन भी वहीं पाए जाते हैं। देखिए हमने किया था ना, देखिए पिग्मी हॉक देखिए बैठी हुई है। देखिए अंडमान वाइट टूथ स्रो, ये देखिए इसमें कैंपेबल बे नेशनल पार्क है अंडमान में, ये नेशनल पार्क का नाम याद रखिएगा, और देखिए नाम से ही स्पष्ट हो जाता है तो ऐसे तो नहीं पूछे जाते अक्सर, देखा है मैंने। नमदफा फ्लाइंग स्क्वायरल, देखिए फ्लाइंग स्क्वायरल करके दे देते हैं अक्सर, दे दे तो ये नमदफा, नमदफा कहाँ है अरुणाचल में, अरुणाचल में पाए जाते हैं ये नमदफा नाम से, इसकी नमदफा में ही पाए जाएंगे सिर्फ।
मालाबार सीवेट, मालाबार सीवेट रेयरेस्ट मैमल है वर्ल्ड का, और ये वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। ये फोटो देखिए इसका, डिफॉरेस्टेशन और कमर्शियल प्लांटेशन जो शुरू हो गए उसकी वजह से ये इनकी पॉपुलेशन कम हो गई। त्रावणकोर और केरला में पाए जाते थे ये। सुमात्रा राइनोस सिंग वन हॉर्न सुमात्रा, ये देखिए राइनो वन, एक सिंग वाला ये गैंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में आता है। ये आसाम के मनास में बहुत पाए जाते हैं, देखिए सॉरी काजीरंगा, काजीरंगा मनास में भी कुछ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। आसाम में पाए जाते हैं, काजीरंगा में भी, आसाम में। देखिए घड़ियाल, रेप्टाइल में देखते हैं, रेप्टाइल में घड़ियाल, देखिए घड़ियाल, क्रिटिकली घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ गए हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं, देखिए चंबल नेशनल चंबल सेंचुरी, चंबल में चल रहा है, क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ, इस पर घड़ियाल के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम चंबल में चल रहे हैं। राजस्थान, यूपी, एमपी, सोन नदी है, ठीक है, और इसके संग इस देखिए आप घड़ियाल, देखिए लेदर बैक टर्टल, ये काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में आता है लेदर बैक बैक, इसके जो लेदर बैक टर्टल, ये फोटो है इसका, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ओशियंस में पाए जाते हैं ये, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। देखिए ये इंपॉर्टेंट आता है, सिस पारा डे को, ये छिपकली है एक, ये छिपकली वेस्टर्न घाट पर पाई जाती है, वेस्टर्न घाट इन सिसपारा, नीलगिरी, कोचीन, कालावेरी, वही कालावेरी में पाए जाते हैं। हैबिटेट कंजर्वेशन एंड मॉडिफिकेशन से काफ़ी कम हो गए हैं। अब देखिए ये कुछ एम्फीबियंस हैं तो देखेंगे हम, अन्नामलाई फ्लाइंग फॉग, अन्नामलाई में देखिए ये फ्लाइंग जो हमारे पास गिलहरी थी स्क्वायरल, नमदफा में पाई जाती थी, उसे कुछ मत होइएगा, ठीक है, ये अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग है, इसका फोटो देखिए, ये पाया जाता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। ये इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, ये है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु के नेशनल पार्क, आपको याद मैंने नहीं कराया लेकिन आप, मैं करा दूंगा, उसकी एक ट्रिक है, एक लाइन में सारे याद हो जाएंगे। वहाँ कुछ नेशनल पार्क हैं, देखिए मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं, गुंडी नेशनल पार्क, एक मुकुर्ती करके है, मुकुर्ती नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार भी है, और एक मड करके कुछ है उस वहाँ पर, वो भी है, इतने नेशनल पार्क है वहाँ पर। ये इम्पोर्टेंट हो गया, ये कितने में ढक रखेंगे हम यार, सब एक ही जैसे रखते हैं। देखिए एम्फीबियंस तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको तो याद करना, अगर हम करने बैठे तो, सब मेढक एक ही जैसे लग रहे हैं। देखिए देखिए कुछ कोरल्स हैं, कोरल्स देख लेते हैं पहले, देखिए कुछ ही कोरल्स हैं, फायर कोरल्स, ठीक है, और मोर क्लोजली रिलेटेड टू जेली फिश, जेली फिश अभी हम कर लेंगे अगर होगी तो, इसमें जेली फिश है क्या,
नहीं चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, ये कोरल की आप कोरल की एक्यूटिक कॉस्ट्यूम करेंगे उसमें तो पढ़ लेंगे। ये इंडोनेशिया, गल्फ ऑफ पनामा, पैसिफिक, यहाँ यहाँ ही पाई जाती हैं। देखिए ये मेढक बच्चे हैं, इनको हमें देखना देखना पड़ेगा। और कुछ मछली हैं, डुगोंग हमने कर लिया है, और पोंडिचेरी शार्क, देखिए वो 17 जो किए थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इतने नाम याद रखना 15 बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उनको देख ही रहना। पोंडिचेरी शार्क इट इज़ ए मैरिन फिश, देखिए देखिए डिस्ट्रीब्यूशन इंडियन, हाँ ये इंडियन ओशन, फ्रॉम गल्फ ऑफ ओमान टू पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, स्केटर, मतलब ये हमारा जो घाट के से जो सी लगता है उसमें पाए जाते हैं। नाम क्या है इसका? पंडिचेरी शॉर्क। चलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट सा लग रहा है कि वेस्टर्न इसमें पाए जाते हैं ये। ये गंगेटिक शॉर्क गंगा रिवर और बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं ये। तो हमने इतने किए और इतने ही रखते हैं, और फिर खास एनिमल अगर न्यूज़ की वजह से फेमस आएगा तो उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। अब पूरा पूरी लिस्ट को याद रखना बड़ा मुश्किल है। मैमल्स देख लिए हमने, वर्ड्स को देख लिया आमतौर पर इतने, और 17 जो हमने वो किए थे उनकी जो कंजर्वेशन से रिलेटेड प्रायोरिटी दे रही थी गवर्नमेंट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये जो हमने किए थे, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये इन्हीं में से अक्सर पिछले क्वेश्चन देखे देखे तो इन्हीं में से रिपीटेड हैं, यानी इस जो पेपर बनाने वाले हैं कुछ ऐसा हो सकता है कि इन्हीं में से एक इसमें क्यों नहीं दे रखा है यार, वाइल्ड एश जो है, देखिए इसमें कुछ वही है ना, कुछ इस लिस्ट में कुछ एनिमल्स नहीं दे रखे हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में जैसे वाइल्ड एश गुजरात में जो पाया जाता है वो सिर्फ गुजरात में ही पाया जाता है कच्छ में, तो उस वो न्यूज़ में था, एक बार पेपर में पूछा भी गया था, तो उसको हम अलग से करेंगे। हाँ, और ऐसे ऐसे ही कुछ निकल के आएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और वो इसमें नहीं दिए गए हैं लिस्ट में, दोनों में ही नहीं है, तो उनको हम करेंगे। बाकी जो हमने 17 किए थे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो इसमें से मेमल्स किए थे वो भी देख लीजिए, अच्छे से रखिएगा, और ये वर्ड्स को याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाते हैं, ये मेढक वगैरह ये नहीं पूछे जाते हैं आमतौर पर इतना, क्योंकि आप सब कुछ तो नहीं कर सकते, आज तक मेढक तो नहीं पूछे। अब देखिए सी टर्टल्स का जो था, एक टर्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने करा लिया कर लिया, तो ऐसे ही करते रहेंगे, अभी इतना ही रखते हैं हम। और एक हमारा एक इन्वायरमेंट हम सोच रहे हैं कि इसको करना करने की सोच रहे हैं, इकोलॉजी से रिलेटेड एक वीडियो शाम तक आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, तो ऐसे ही हम करते रहेंगे धीमे धीमे।